रायपुर थाना पुलिस की बड़ी तरफ से बड़ी कार्रवाई, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों की गैंग का खुलासा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। पाली से बड़ी खबर, रायपुर थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों की गैंग का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकानदारों को जीएसटी नंबर, जीएसटी के लेन देन के चक्कर में फंसाते थे। साले ने जीजा की हार्डवेयर की दुकान से वसूले करीब 2.5 लाख रुपए। सरगना का भाई देहरादून में इनकम टैक्स अधिकारी, उसके नाम से बनाया फर्जी कार्ड, लेटर पैड और सील। तो बड़ी खबर, पाली से रायपुर थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों की गैंग का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकानदारों के जीएसटी नंबर, जीएसटी के लेन देन के चक्कर में फंसाते थे। सुभाष रोहिसवाल, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष, इस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई? सुमित, देखिए कि ये लंबे समय से ये गिरोह पूरे एक तरह से जिले के अंदर कह सकते हैं और जिले के बाहर भी कई वारदातें इन्होंने करना भी स्वीकार किया है। बड़ी बात ये थी कि इसमें एक जो जीजा और साले का खेल सामने आया है कि साले ने ही जीजा की दुकान को लूट कर तकरीबन 2.5 लाख रुपए उधेड़ लिए थे। और जब लोगों को शक हुआ इस बात को लेकर के कि गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, आगे इनकम टैक्स लिखा हुआ है, और जब भागने की कोशिश की थी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी, नाकाबंदी करके रायपुर थाना पुलिस लेकर के आए, तब इस बात का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात आई कि इसका जो सरगना है राजेश मीणा करके, उसका भाई देहरादून के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसी की आड़ के अंदर ये पूरा खेल खेलते थे। आईडी कार्ड, उसके अंदर लेटर पेड, यहाँ तक कि इनकम टैक्स की शीले भी अपने पास में रखते थे, और हुटर, उस साइरन जो हुटर होता है वो भी रखते थे लोगों को डराने के लिए कि ये भारत सरकार की गाड़ी है। पुलिस अभी कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि कहाँ कहाँ इन्होंने कार्रवाई की है, कहाँ कहाँ इन्होंने डकैती के रूप में ये जो पैसे लूटे हैं और अंजाम दिया है वारदातों को, इसका खुलासा भी बाकी है। बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, इस पूरे मामले का खुलासा जिस तरीके से रायपुर पुलिस की तरफ से किया गया है। पांच नई उम्र के युवक हैं जिनके पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और आगे पीछे भारत सरकार लिखा हुआ है और आयकर अधिकारी की नेम प्लेट लगी हुई है, जिन लोगों ने जेतड़ में एक व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ के भग रहे हैं।